कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश राधाकांत नमस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसी देवकै प्रिया हरि केशव सच कृष्ण भक्ति प्रजे सत्यवतरी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे सर्वाग्री मध्य गुरु पाद पद्म विष्णु पादी श्री श्री माध भक्ति श्री सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मैं शिक्षा गुरु पाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णम विष्णु पाद अष्टोत्तर सदस्य श्री श्री माध भक्ति श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण स्वरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाविधि प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकाल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी को कहते मिले रूप कि जो मानव शरीर है बड़े भाग्य से ये मानव शरीर हमें प्राप्त होता है। तो मानव शरीर में भी कल सुन रहे थे ऐसे कुछ लोग है जो जंगली जानवर जैसे रहते हैं, ऐसे कुछ लोग जो सभ्यों का अंदर में आते जो सभ्यता को अंदर में आते हैं, ऐसे बहुत लोग होते जो नास्ती है, जो भगवान भगवान कुछ नहीं मानते। बोल भगवान भगवान कौन देखा, हमने देखो तुम भगवान कुछ भगवान के कुछ ऐसे लोग होते हैं, लेकिन उसका अंदर में बहुत कम लोग होते हैं जो वेद पुराण को मानने वाले। हाँ शास्त्र वेद पुराण को ही है, लेकिन उसके अंदर में ऐसे कुछ विशेष लोग होते हैं जो वास्तव रूप में वेद भगवान गीता भागवत रामायण को मानते हैं, लेकिन उसके अंदर मानने पर भी ऐसे कुछ लोग होते जो कर्मों को बड़े विश्वास करते हैं। कर्म करो, क्या करो, कर्म करो, लेकिन उनको पता नहीं कर्म कहते हैं किसको है, कर्म का डेफिनेशन क्या है। वो लोग सोचते हैं जगत का दान पुण्य आदि करे करके क्या हो, अच्छे कर्म करके स्वर्ग में जाए और स्वर्ग लोक में विषय भोग करे और यहाँ से उतर करके माया से फिर जगत में आ जाए। इसमें कर्म करोड़ों करोड़ों कर्मी में कोई विशेष व्यक्ति होती जो ज्ञान को मानने वाले, कौन सा ज्ञान को, बोले जो जीव को ब्रह्म ज्योति में जो लीन हो जाते, ये ज्ञान को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं जो लास्ट में न रहेगा पांच न बजेगी बांसुरी। जब तक इसी संसार में रहेंगे तब तक दुख कष्ट भोग करना पड़ेगा, इसलिए क्या करो वो ब्रह्म ज्योति में अपना सत्ता को लीन कर दो, बस जन्म ग्रहण नहीं करेंगे संसार में आएंगे। लेकिन वो भी साधारण नहीं, यदि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहले अंतर इंद्रिय बाहरी इंद्रियों को पहले कंट्रोल करना पड़ता है, वो भी सहज में प्राप्त नहीं होता है, बड़े कठोर साधन उसके लिए होता है, बड़े कठोर साधन है। लेकिन भगवान की भक्ति में ऐसे जो करोड़ों करोड़ों व्यक्ति में जो कि भगवान की भक्ति में आने वाले लोग है, भगवान की भक्ति में आने वाले लोग है, इसलिए बोले है मुक्ता नापि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटि सोटि महामुनि। इसलिए मुक्तों को अंदर में भी जो नारायण का भक्त है बड़े दुर्लभ है, बड़े दुर्लभ है। लेकिन वो नारायण भक्त को अंदर में भी ऐसे कुछ भक्त है जो राम भक्ति करने वाले वो अत्यंत दुर्लभ है, उसका अंदर में जो कृष्ण भक्ति करने वाले बड़े दुर्लभ है, लेकिन कृष्ण भक्ति करने वालों में भी
जो द्वारकाधीश मथुरेश और श्री ब्रजेंद्र नंदन का जो भक्ति बड़ा दुर्लभ है, जो आप लोग जो ब्रजेंद्र नंदन वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण को भक्ति करने वाले, लेकिन उनमें ऋषि जो महाप्रभु की धारा में आ करके राधा कृष्ण की प्राप्ति के लिए जो महाप्रभु की धारा में जो भक्त आते हैं वो तो बहुत बहुत ही दुर्लभ है, बहुत बहुत दुर्लभ है। जो कि आप लोग जो महाप्रभु की धारा में हम लोग आ करके इनके आनुगत्य में श्री जुगल सरकार को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे भक्त तो बहुत बहुत ही दुर्लभ है, बड़े दुर्लभ है। तो यहाँ पर महाप्रभु कहते हैं अभी ये भक्ति जीव को कैसे प्राप्त होता है। तब कल हम लोग श्रवण कर रहे थे ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव और गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति हैं। इसलिए ऐसे ब्रह्मांड भ्रमण करते करते किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को जीवन में भगवान और गुरु की कृपा से उनको संत दर्शन मिलता है। बोले किसको संत दर्शन मिलता है? बोले सबको नहीं, पूर्व जन्म में जिसने भक्ति उन्मुखी सुकृति इकट्ठी किया, बोले वो भक्ति उन्मुखी सुकृति किया है, वो क्या चीज है? बोले वो चीज है जान नहीं तो अनजान में अगर कहीं भगवान की कोई भक्ति कर लिया, साधु संत कुछ दान दे दिया, तुलसी परिक्रमा कर लिया, तुलसी में दिया देते हो, कहीं ठाकुर जी का प्रसाद पा लिया, कोई साधु संत में बैठ कर हरी कथा सुनी, यदि ये सब चीज करते 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 बहुत ज्यादा हो जाता है, जब बहुत इकट्ठा हो जाता है फिर ये भगवत इच्छा से एक होता है पाप, एक होता है पुण्य, ये दोनों नष्ट हो जाता है। पाप किसको कहते हैं? बोले वेद विरुद्ध जितना कर्म पाप है, जैसे दूसरों को कष्ट देना, जानवर खाना, मांस खाना, शराब पीना, चोरी डाकू, जितने सारे पाप कर्म है, इसका फल क्या? बोले नरक। फिर नरक से मुक्ति होने के बाद फिर संसार में आओगे। पुण्य कर्म किसको कहते हैं? जैसे दुखी दरिद्र को सेवा करना, स्कूल कॉलेज अन्न छत्र खोलना, ये होता है पुण्य, लेकिन इसका फल स्वर्ग। लेकिन कब तक स्वर्ग में रहोगे? बोले जब तक तुम्हारे पुण्य खत्म नहीं होता है, पुण्य खत्म होते फिर यही फिर यही में आना पड़ेगा, ये दोनों नष्ट हो जाता है। लेकिन जो तीसरी चीज है जिसको भक्ति सुकृति, लेकिन ये चीज कभी खत्म तुम्हारी नहीं होगी, क्योंकि वो जो दो चीज पाप और पुण्य है ये शरीर संबंधी वस्तु, एक दिन जैसे शरीर नष्ट हो जाएगा वो चीज भी नष्ट हो जाएगी, लेकिन जो आत्मा संबंधी है ना, भगवान की कथा सुनना, गीता सुनना, भक्ति करना, हरिनाम करना, ये आत्मा संबंधी, ये शरीर संबंधी वस्तु नहीं, इसलिए ये कभी भी नष्ट नहीं होता है, ये केवल एकट होते हैं, केवल संग्रह होता है। और इसका फल क्या है? बोले इसका फल है संत दर्शन। क्या है? संत दर्शन। इसलिए हनुमान जी को साथ में विभीषण को जब साक्षात कर हुआ, विभीषण बोला आज वही भाव भरोसा हनुमंता और बिनु हरि कृपा बिना विलय नहीं संता, जो रघुगिरि मई अनुग्रह की दी तो मई तरस अटल। लगता है आज मेरे ऊपर में भगवान राम की कोई कृपा हो गया है, तभी जीवन में संत दर्शन मिला है, संत दर्शन मिला। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु कहते हैं ये ब्रह्मांड भ्रमण करते करते किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को जीवन में संत दर्शन मिलते हैं। लेकिन ये संत दर्शन कैसे मिलता है? बोले गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता के, कभी ये संत दर्शन ऐसे नहीं मिलता है, जब ठाकुर जी की कृपा हो, हमारी इच्छा से नहीं, क्योंकि किसको अंदर में कितने सुकृति इकट्ठा हो ठाकुर जी को पता है। जब ठाकुर जी की कृपा होता है ना, ठाकुर जी की कृपा से ही ये संत दर्शन मिलते हैं, और संतों की कृपा से ठाकुर का दर्शन है, संत कृपा से गुरु प्राप्ति और गुरु कृपा से भगवत प्राप्ति होता है, हैं? इसलिए हम अपने आप बुद्धि से अपना पांडित्य से हम संतों को दर्शन नहीं कर सकते हैं। आज जैसे पढ़ो तो बताओ कितने लोग हैं, लेकिन मंदिर में कितने लोग आए, कितने लोग मंदिर में आए, ये किसकी कृपा है? ठाकुर जी की कृपा, ठाकुर ही शुद्ध साधु को पास में भेज देते हैं,
हैं, क्योंकि जीव के अंदर में जो सुकृति है, ठाकुर जी को ये बात पता है किसके अंदर में कितने भक्ति इकट्ठा हुआ है। इसलिए आप ये संवत्सम जो अपना इच्छा से यहाँ पर आ गए, नहीं आपका इच्छा से नहीं आए, ठाकुर ने ही आपको यहाँ तक, ठाकुर ने ही आपको लाया है, समझ रहे हो। इसलिए जब ठाकुर जी कृपा से हमें संत दर्शन होता है, फिर क्या होता है, फिर संतों की कृपा से फिर ठाकुर दर्शन होगा। इसलिए संत क्या करते हैं, हमें जो हरिनाम दिया है, जो गोपाल मंत्र दिए हैं, कहते ये क्या है, कहते हमारे हृदय में ये भक्ति रूपी जो बीज है हमारे हृदय में उन्होंने बो दिया है। गोपाल मंत्र क्या है, कृष्ण मंत्र क्या है, कृष्ण नाम क्या है, ये बीज है, ये बीज हमें इन लोगों ने हमें ये बीज प्रदान किया है। अभी हमारे हृदय में तो बीज को बो दिए, लेकिन अभी काम क्या है, हम माली है, हम लोग माली है, अभी उसमें क्या करना, उसमें अभी हम धीरे 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 पानी देना, क्या देना, पानी देने का है। पानी देना मतलब क्या है, जैसे आप लोग मंदिर में आते हो, कीर्तन सुनते हो, ठाकुर जी का आरती दर्शन कर रहे हो, ये पानी, पानी देने से क्या होता है, लता बढ़ती है ना, अगर पानी नहीं मिलेगा तो लता सूख जाएगी। पानी देना मतलब क्या है, कहते ये हरि कथा सुनना, ये पानी देना, जैसे पानी देने पर क्या होता है, फिर बढ़ेगी। जैसे आप लोग हरिनाम करते हो, कीर्तन करते हो, भजन करते हो, क्यों, चूंकि आप संतों से जुड़े हुए हो, आ रहे हो, आपकी उत्साह मिल रहा है, पानी दिला मतलब कथा सुनना, उत्साह मिल रहा है, उत्साह मिलने पर माला भी जप करते हो, तिलक भी लगाते हो, कंठी भी पहने हो, भगवान की भजन भी करते हो, हैं करते हो, लेकिन जिनके हृदय में बीज तो बो दिए लेकिन अभी पानी नहीं दे रहे, मतलब साधु संग नहीं करते, हरि कथा नहीं सुनते, उनका बीज नहीं पर बन रहा, वो बढ़ नहीं रहे, वो पेड़ नहीं बढ़ नहीं रहे, वो पेड़ जा रहा था, क्यों, फिर साधु संग नहीं कर रहे। हम भगवान के भजन के लिए क्यों समय दे, सोचे घर का थोड़ा काम काज कर लेना, काम काज करके जो माल मिलेगा, मंदिर में आने पर क्या माल मिलेगा, भगवान की भक्ति में क्या मिलेगा, समय क्यों नहीं दे रहे। एक व्यक्ति आठ आठ दस दस घंटा परिश्रम करता है, क्यों परिश्रम करता है, पैसा मिलेगा, उसको पता है कि पैसा के बगैर कुछ होने वाले नहीं, तभी वो समय देता है, लेकिन वो भगवान की भक्ति में कब समय देगा, उसको जब पता चलेगा भैया ये जगत का पैसा से भी ये भक्ति का जो धन है ये असली धन है, ये असली धन है। इसलिए मीरा कहती है ना, दिन दिन बढ़त सबायो आयो री मैंने राम रतन धन। उनको पता है यदि जो राम रतन धन है यही धन ही अंतिम समय में हमारी काम आएगा। इसलिए कबीर कहता है ना, कबीर की आरती करते बोले मरने में सब जग डरे मेरा मन आनंद। कबीर कहते दुनिया मरने के लिए डरता है, कोरोना आया था ना, सबको दरवाजा बंद कर दिया, घर से कोई निकल रही थी, क्यों नहीं निकल रहे, मरना नहीं चाहते, कौन मरना चाहते हो, कोई मरना चाहते, कोई मरना नहीं चाहते है। लेकिन कबीर कहते मैं तो खुश हो रहा हूँ। बोले भैया तू क्यों खुश हो रहे, वो कहते जिंदगी भर मैंने प्रभु का नाम जप किया, मेरे को पता है ये धन पूरा के पूरा ऊपर डिपोजिट है, मेरे लिए वीआईपी व्यवस्था है यार, मेरे लिए तो रथ आएगा गोलोक वृंदावन से, बैठ करके मैं ठाकुर के पास भी जाऊंगा। लेकिन दुनिया के दुखी हो रहे हैं मरने के लिए, कोई भजन नहीं किया, हरि का नाम जप नहीं किया, हमको जानते हैं खाता जीरो है, खाता में जीरो है, कुछ है ही नहीं, इसलिए कोड़े मारते मारते बैगन नदी पार कराएंगे, फिर उसको चोरा से नरक भोगना, फिर पता नहीं कौन सा जीवन में जाना पड़ेगा। इसलिए कबीर कहता है इसलिए मैं खुश हूँ, मैं भगवान की भजन करता हूँ। इसलिए तब भी कोई समय को प्रभु की भक्ति में देगा जब भजन की महिमा उसको पता चले नहीं, सचमुच से जो काम में आएगा प्रभु के काम ही काम में आएगा, और कोई चीज हमारे काम में आने वाले नहीं, तभी तो समय देगा ना, नहीं तो क्यों समय देगा, दो दो तीन तीन घंटा चार चार घंटा क्यों प्रभु का भक्ति पूजा क्यों करेगा, वो करेगा नहीं क्योंकि उसका महत्व पता नहीं। लेकिन साधु लोग क्या करते, कोई नहीं दिन भर प्रभु का नाम ही जप करते, क्यों, यही धनी काम में आएगा, यही धनी काम में आएगा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं महाप्रभु देखो है, पानी तो पानी देनी चाहिए, पानी देने पर सत्संग करने से प्रभु के भजन के प्रति हमारी रुचि आएगा। इसलिए
अभी धीरे 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 श्रवण कीर्तन करते हैं, जब करते हैं फिर धीरे धीरे क्या होगा, फिर जब श्रवण कीर्तन करेंगे फिर कुको जिया बाहे लता ब्रह्मांड भेजी जाए विरजा ब्रह्म लोक भेदी परम कौन पाए। ये चीज को अच्छे तरह समझ लो, बढ़िया से अच्छे तरह से कहते भक्ति लता जैसे पानी दिया, धीरे धीरे लता बढ़ेगी बढ़ेगी ना, धीरे धीरे लता बढ़ती है ना, बढ़ते 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 जाती है, पर कहाँ बढ़ेगी, कहते विरजा ब्रह्मलोक भेदी परम वंश पाए। इसका मतलब क्या, कहते लता बढ़ते 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 पहले भूर लोक भगवन लोक मोहन लोक जन तप और सत्य लोक, सत्य लोक मतलब ब्रह्मा जी निवास करते हैं, उसको ऊपर में विरजा है, उसको ऊपर में नदी की विरजा नदी, कहते जो लता है बढ़ते बढ़ते ये विरजा का भी भेद कर जाते हैं। बोले क्यों, कारण क्या, बोले कारण है जैसे हमें जो गोपाल मंत्र मिला है, हमें जो हरिनाम मिला यही मंत्र है, ये मंत्र है, इसको जब हम जप करेंगे ना, अभी जिसका नाम लोगे तो वहीं पर जाओगे ना, जैसे हम कृष्ण का भक्ति गोपी जन बल्लभा या सुहा कहते गोपियों की जो कृष्ण भक्ति करते हैं वो तो वृंदावन धाम में, तो गोपियों की सेवा वृंदावन में, ये वैकुंठ में नहीं, ये द्वारका में नहीं, अयोध्या में नहीं, और ये पृथ्वी का जो ब्रह्मांड लोक में उसका आश्रय है, क्योंकि हम तो बहुत हाई फाई चीज को करना चाह रहे हैं, बहुत ऊंचे चीज को, अभी जिसका नाम लोग तो वहीं पर जाओगे। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं वो कहते हैं खबरदार ये मुक्ति की बात मत सुना करो, जो लोग चाहते हैं ना हम अपना सत्ता को ब्रह्मलोक में लेने कर, ये कथा को मत सुना करो, ये कथा को मत सुना, सुनने से क्या होगा, तुमको खींच करके मुक्ति लोक में ले जाएगा, वो ब्रह्मलोक में तुमको ले जाएगा, पर वहीं पर निर्जीवी होकर के पत्थर जैसे पड़ रहोगे वहां पर, आगे और कुछ नहीं, बेहोश हो, जो शराब भी होता है ना वो बेहोश होकर जैसे पड़े रहता है, तुम जाकर के ब्रह्मलोक में बेहोश होकर पड़े रहोगे, कुछ मिलने वाले नहीं तुमको। कहते यहाँ तक भी जो नारायण की कथा अगर ज्यादा सुनोगे तुमको नारायण वैकुंठ ले जाएगा, तुमको ये वैकुंठ ले जाएगा है, ये वैकुंठ ले जाएगा, इसलिए उसकी प्रति जो प्रीति है लक्ष्मी नारायण के प्रति, प्रति भी त्याग दो, क्योंकि वहां पर जो रस है ना वो ढाई रस है, रस पांच रस है, कितना रस है, शांत दास्य सख्य वात्सल्य मधुर, कहते जो ब्रह्म जो नारायण लोक में ढाई रस है, शांत रस है, शांत रस समझते हो, जब उनको कुछ करवाओ तो वो करते हैं, जैसे ब्रज में जैसे गैया बंसुरी की वृक्षा है हैं, जब कृष्ण कुछ करवाते हैं तब वो करते हैं, उसको ऊपर में दास्य रस है, वहां पर तो सबके सब भगवान की दास है, वहां पर भगवान का कोई सखा है ही नहीं, सबके सब शांतागारम भुजग शयनम, भगवान को सबके सब ईश्वर रूप में उपासना करता है, वहां लक्ष्मी भी है पत्नी भी तो है, लेकिन होने पर भी वो जो गौरव वहां पर सख्य दास गौरव वहां पर सख्य है, संपूर्ण से पत्नी पत्नी के अंदर पति पत्नी है, लेकिन सखा भाव है कि नहीं, कभी कोई पत्नी से पूछते हैं, कभी कोई पत्नी का एडवाइस लेते हैं, सखा जैसे पत्नी को साथ में पति भी बात करता है, वहां पर अर्ध सख्य है। इसलिए जो हम जो हरिनाम करते हैं, जो गोपाल मित्र मिला इसका फल गोलोक वृंदावन ही हमें ले जाएगा, इसलिए कहते वो लता बढ़ते 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 इस सब को पार करके विरजा को पार कर जाता है, वैकुंठ जाता है, वैकुंठ में उसका स्थान नहीं, फिर ये अयोध्या जाएगा, अयोध्या में भी स्थान नहीं, फिर कहाँ चले जाएगा, श्री द्वारका मथुरा फिर सीधा गोलोक वृंदावन, ये लता धीरे धीरे गोलोक वृंदावन पहुंचता। मतलब क्या, हम तो यहीं पर भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, जो भाव लता मतलब यहाँ भाव है, वो भाव बढ़ते बढ़ते सीधा गोलोक वृंदावन जाएगा और ठाकुर का चरण को आश्रय ग्रहण करेगा और वहाँ बड़ी सुंदर सुंदर फल होगा हैं, जिसमें छिलका भी नहीं, जिसमें गुठली नहीं, जिसमें केवल रसी रस है, जिसमें केवल रसी रस है। मतलब क्या है, जब भगवान की भक्ति करोगे ना इतने आनंद मिलेगा, बोले प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम, हर समय में एक एक नई आनंद प्राप्त होगा। यहीं पर बैठ बैठ करके बैठे तो यहीं पर रहे, लेकिन वो लता बढ़ते बढ़ते गोलोक वृंदावन पहुंच गया। मतलब क्या, ठाकुर का चरण में वो लता पहुंच गई,
ठाकुर जी की चरण में वो भाव पहुंच गई और यहीं पर बैठ बैठ करके आस्वादन करते हो। एक कथा सुनो, ध्यान दे रघुनाथ दास गोस्वामी नाम जानते हो, सुनते हैं। एक समय उनका पेट में अजीर्ण अजीर्ण से उनका अपच हो गया, खाना पचाने अपच हो गया, शरीर में बुखार आ गया, उनकी सर दर्द, वैद्य को बुलाया, बोले देखो तो इनका क्या पेट में अपच हो गया, क्या बात है। अब हिंदी में अपच कहते हैं, क्या बोलते हैं अपच बोलते हैं ना, जो पचता नहीं पेट में। तो वो तो बुलाया बहुत बड़े वैद्य को, वैद्य ने नाड़ी पकड़े, नारी को पकड़ करके बोले इन्होंने थोड़ा खीर मीठा ज्यादा खा लिया। क्या खा लिया? खीर और मीठा ज्यादा खा लिया। लोग बोलते क्या बोल दो मीठा खाएंगे, ये तो दिन भर एक चूल केवल मठा पीते हैं, दिन में केवल एक चूल मठा के सिवाय और कुछ पीते ही नहीं, और एक चूल मठा पी करके 26 घंटा गुरु का भजन करते हैं। इनको खीर थोड़ी कहीं से मिलेगा, कोई खीर कोई कुछ नहीं खाए। तो वैद्य तो वो साधारण वैद्य नहीं था, वो तो पक्का वैद्य था। वो वैद्य ने बोले इनको पूछ लो, इनको पूछ लो खीर खाए कि नहीं, पूछो इनको पूछे। बोले बाबा आपने खीर खाए है? बोले हाँ खीर खाए। बोले खीर कहाँ से मिला? तो वो खीर कहाँ से मिला, देखो भक्ति कैसे। तो एक समय रघुनाथ दास गोस्वामी ने सोचे वो कौन है, कृष्ण लीला में रति मंजरी, रति मंजरी राधा रानी की एक दासी है। एक समय उन्होंने सोचा आज ठाकुर को खीर भोग लगाए, एकदम मन मन में कुछ ऊपर नहीं, मन मन में उन्होंने बड़ी सुंदर गैया का दूध लाए और उसको गर्म किया, बास जब जब गर्म हो गया उसमें चावल डाल दिए, काजू किशमिश डाल दिए और उसमें मिश्री डाले, क्या डाले मिश्री, मिश्री डाल और घी ऊपर से घी डाल दिए। कभी ऐसे खीर बनाया कि नहीं, मिश्री घी डाल करके है और बढ़िया अधोटा बड़ी सुंदर जब एकदम लाल बन गया खीर, वाह खीर आज बहुत बढ़िया हो गया। तब पहले इन्होंने ठाकुर जी को भोग लगाए कृष्ण को, फिर उनका आधार राधा रानी को मिला, फिर राधा रानी को बाद में फिर ललिता विशाखा को मिला, उसको बाद में फिर रूपा मंजरी को मिला, फिर बाद में इनकी जो आधारामृत रति रति मंजरी, कृष्ण लीला में रति मंजरी, और खीर बहुत बढ़िया बनया। अब देना कब जो बढ़िया अच्छे काजू की पिस्ता डाल कर कोई खीर बढ़िया बना, क्या जानता है ठाकुर को भोग लगे कब मिले हैं, कब मिले अपना। जैसे कोई बढ़िया चीज बनाओ ना, प्रथम उसको जी भर के तुम्हारे मन पसंद चीज होगा, खुद बनाना मतलब क्या है, तुमको जो मन पसंद चीज है। बोले इतने मीठा खा बोले थोड़ा ज्यादा खा ले, उन्होंने क्या किया थोड़ा ज्यादा उन्होंने खा लिया, मीठा खा लिया, ज्यादा खा लिया तो क्या हो गया, बस उनको हो गया अजीर्ण, पेट में अपच हो गया और शरीर में बुखार आ गया। बोले इनको पूछो खाए कि नहीं, बोले हाँ आज थोड़ा ज्यादा खीर खा लिया, लेकिन कैसे मन मन में खीर खा लिया। देखो बैठे हुए कहाँ पर, इसे मरते जगत में बैठे हुए तो मरते जगत में, लेकिन भाव कहाँ पर पहुंच गया, सीधा भाव पहुंच गया बोलो वृंदावन, लेकिन यहीं पर बैठ बैठ कर हरिनाम कर रहे हैं, हरिनाम करते करते अपना नित्य निज नित्य सिद्ध स्वरूप में प्रवेश करते हुए उन्होंने यहाँ पर बैठ बैठ कर लीला का आस्वादन करते हैं, लीला आस्वादन करते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कहते ये कहते विराजा ब्रह्म लोग परम भव पाए कृष्ण कत तबे तबे जाए तदुपरि बोलो वृंदावन कृष्ण चरण तल्प वृगे करे आरोहण तहा विस्तारिया है या फले प्रेम फल यहाँ माली से चिंतित श्रवण के खन जल। कभी वो ठाकुर का चरण में पहुंच गया भाव और यहीं पर बैठ कर वो साधव क्या कर रहा है, यहीं पर बैठ कर जो लता को पानी दे रहा है, लता में पानी देना मतलब जब भाव, वो भाव से भजन कर रहा है, वो भाव से भजन कर रहा है और भजन करते करते हृदय के जब सारे अपराध जब दूर हो जाएगा, सारे अनर्थ जब मुक्त हो जाएंगे, सारे अपराध जब मुक्त हो जाएंगे, यही बैठी बैठ कर हम क्या करेंगे, वो फल को आस्वादन करते रहेंगे, वो फल को हम आस्वादन करते रहेंगे। तब यहाँ पर कहते हैं देखो कल जब बता रहे थे ना, जैसे वृक्ष लगा दिया, पेड़ लगा दिया, कभी कभी क्या होता है उसको अंदर में गैया बकरी आकर के लता खा जाता है, उसको खा जाता है। नहीं तो कभी कभी हाथी है ना, कभी कभी देखना किसी ने बड़े सुंदर बनाया बगीचा, अगर कभी हाथी अगर प्रवेश कर जाए ना, कितना बड़ा बड़ा हाथी का प्यार है,
अगर किसी बाग में अगर हाथी घुस जाएगा बताओ वो बाग रहेगी? सारे उजाड़ देगा। और सूंड में कभी कभी पकड़ करके तो उसने उसको उखाड़ देते हैं, उखाड़ करके उसको फेंक देते हैं, उखाड़ करके उसको फेंक देते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं लता तो लगाया लेकिन ये कभी कभी ये जो बद वाला हाथी है ये कभी कभी आकर के बाघ को उजाड़ देता है। कहते वो मत वाला हाथी क्या है? तो यहाँ पर कहते हैं यदि वैष्णव अपराध उठते हाथी माता उपड़े से फेंक छीड़े तार सुखी जाए पाता। कहते ये वैष्णव अपराध अगर हम अगर हमारे कहीं हो गया तो वो क्या कहता है ये मत वाला हाथी जैसे कहते ये जड़ समेत उसको उखाड़ करके फेंक देता है। इसलिए क्या करनी चाहिए उससे उसका प्रति सावधान हो उसके प्रति सावधान होनी चाहिए तभी वैष्णव अपराध हमें नहीं करनी चाहिए। इसलिए 10 तरह का जो नामापराध है उसमें जो पहला अपराध ही वैष्णव अपराध है, है? क्योंकि ये सबसे बड़ा खतरा है, ये सबसे बड़े खतरा है। इसलिए देखना जैसे हमारा कीर्तन हो जाता है ना, कीर्तन के बाद हम कहते हैं ना बांछा कलबुतर रहस्य कृपा सिंधु भरे वच पतितानां पावने भो वैष्णव गुणम। क्यों क्यों ऐसे कहते हैं? कभी कभी हमारी जान कभी अनजान में हमारी कहीं ना कहीं वैष्णव निंदा हो जाता है, हैं? जैसे तुम लोग हो, जैसे तुम लोग हो सबके सब गुरु भाई गुरु बहन हो, सबके सब गुरु से कंठी लिए माला ली हरिनाम करते हो, लेकिन कभी कभी देखना आपस आपस में भी हम चर्चा कर लेते हैं। अरे जानते हो क्या करती है? तुमने सुने हो बात को क्या हो रहा था? देखना आप कभी कभी इस बात को आपस आपस में चर्चा कर डालते हैं, कभी कभी बुराई कर देते हैं, नहीं करनी चाहिए क्योंकि जो गुरु दीक्षा लेकर गले में कंठी माला पहन करके भजन कर रहे हैं वो सबके सब वैष्णव है। कहते गृहीत विष्णु दीक्षा को विष्णु पूजा पर नर है। कहते जो दीक्षा मंत्र लेकर गुरु जी से हरिनाम को लेकर भजन करते हैं कहते सबके सब वैष्णव है। इसलिए किसी कहते कहर ना कर निंदा कृष्ण कृष्ण बोले अजय चैतन्य से तारीफ कहले। कहते महाप्रभु का नाम अजय अजीत है, उनको पाना बड़ा कठिन लेकिन उनको कौन पा सकता है? बोले एक व्यक्ति पा सकता है जो कभी किसका निंदा बुराई नहीं करते हैं और हर समय हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम जोर करके बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसलिए कहते काहर ना कर निंदा कृष्ण कृष्ण बोले, लेकिन अजय चैतन्य से ही जो भगवान को तो अजय जिसको जितना बड़ा कठिन लेकिन उनको भी वो जीत लेते हैं। कौन है जो कभी किसी बुराई नहीं करते हैं, हर समय हरि का नाम को जो जप करते हैं वही उनको जीत सकते हैं, वही उनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए क्या करनी चाहिए? महाप्रभु कहते हैं जीवेर सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान, हर व्यक्ति को सम्मान दो क्योंकि सभी का हृदय में भगवान का निवास, ठाकुर की निवास सभी का हृदय में। जब सभी का हृदय में भगवान का निवास है फिर हम निंदा करते किसको निंदा करते, निंदा हो जाता है। जल्दी क्या करो सबको यथाजोग सम्मान दे करके। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं बोले गुरुदेव कृपा बड़ कृपा करी गौरव नमाजे गोद्र में दिया चल स्थान बात है सकल सम्मान करी ले सकते देहनाथ जथा जथा तबे तगाइब हरि नाम सुखे अपराध हावे हत। इसलिए भक्तमन ठाकुर कहते हैं गुरुदेव कृपा करो जिससे सबको हम यथाजोग्य सम्मान दे सके, हैं? सकले सम्मान करते सकते देह नाथ जतत। जिसको जितना सम्मान देनी चाहिए जैसे वैसे हम सम्मान दे सके फिर क्या होगा? अपराध हवे हत तब हमारे सारे अपराध दूर हो जाएंगे।
तारापरांत को दूर हो जाएगी है, फिर तो कृष्ण नाम का हम कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो वैष्णव अपराध है वो सबसे बड़ा खतरा बताया है ना? इसलिए चैतन्य महाप्रभु अपना माँ को भी छोड़ दे, महाप्रभु जब बैठ गए सबको प्रेम दे रहे हैं लेकिन अपना माँ को नहीं बुलाए। विवास पंडित बोले प्रभु अपना माँ को भी बुलाओ ही नहीं, बोले क्यों? बोले उसने वैष्णव अपराध किया, कोई अपराध नहीं किया था, उनका जो बड़ा बेटा संन्यास ले दिया तो उन अद्वैत आचार्य ने इतना बोल दिया था, इसका नाम कौन कहते हैं अद्वैत, अद्वैत मतलब किया तो सबको जो एक कट रखे, ये तो दो ही तो मेरे बेटे को मेरे से अलग करा दिया, ऐसे पाठ पढ़ाया, ऐसे भक्ति की बात सिखाया कि मेरा बेटा ही संन्यास बन गया। जो बुढ़ापा में जो लकड़ी बनाता है, लकड़ी क्या होता है, लकड़ी जो सहारा बनता है हमारी, लेकिन उसके ही उसने अलग कर दिया, केवल इतनी सी बोल दी। लेकिन महाप्रभु ने वैष्णव अपराध, जब तक इनकी अद्वैत चरण में माफी नहीं मांगेगा तब तो उसको प्रेम नहीं दूंगा। साक्षात सची माँ भगवान की माँ जशोदा, उनको जाकर के अपराध माफी मांगना पड़ा है, माफी मांगना पड़ा तभी उनको प्रेम की प्राप्ति हुई है। जैसे श्रीवास पंडित कुछ लोग उनको भी बुराई कर रहे थे, क्यों? चार भाई भजन करते थे, हरिनाम करते थे, जो हरिनाम करता उनका जगत में तो महिमा बढ़ता है दुनिया का, तो देखो कितने ठाकुर जी की भक्ति करते हैं, चार भाई मिलकर के, चार बहू बच्चे मिलकर के, और वो एक गोपाल चापल था है, वो गोपाल चक्रवर्ती है तो ब्राह्मण था लेकिन बड़ी संतत दोषी, भले इनकी बदनाम करा दूंगा। राता रात क्या क्या उनको घर के सामने शराब और जो देवी पूजा करते जो जो फूल और इसको रख करके ना मांस को रख करके सवेरे उठे, बोले आप तो कहते हो ये संत हैं, देखो ये क्या करते हैं, संत नाम ये पाखंड हैं, ये कर रहे हैं क्या? कहते ये सब के सब रात को ये सब पांच मकार पूजा करके बत्ती और मांस हैं, ये सब पूजा करके रात को स्वर्ग से ये अप्सरियों को बुलाते हैं और अप्सरियों को बुला करके उनके साथ में भोग करते हैं और आप लोग कहते हैं बोले भक्ति करते हैं, उन्हें बदनाम करा दिया, फिर उसको क्या हो गया, कुष्ठ रोग, उसको कुष्ठ रोग हो गया, इतने कष्ट उसने उठाया जीवन में है, महापुरुष के पास गए, गला गल गया, तांत गल गई, मैं अपराध को माफ कर, महापुरुष क्या बोले, बोले देखो पैर अगर पैर से अगर कांटा गड़ता है सर में नहीं निकलेगा, पैर से निकलेगा, जाओ श्रीवास चरण में अपराध माफी कर, पर श्रीवास चरण में माफी मांगे तो उनको माफ हुआ है, हैं? इसलिए भागवत में दिखाया, भागवत में क्या दिखाया, श्री शंकर जी हैं, शंकर जी को दिखाया, शंकर जी को किसने निंदा किया है, दक्ष प्रजापति, प्रजापति बहुत बड़े पद है, देवता में जो राजा है इतने बड़े व्यक्ति, उसने शंकर जी को निंदा किया, शंकर जी भक्तों को निंदा किया है, शंकर जी को निंदा किया, फिर क्या हुआ, अपना गला कटा है, गला कट गया, फिर उसकी फिर बकरी का मुंड लगा दिया, सर लगा दिया, और जितने उनको मदद करने वाले थे ना जो हंस रहे थे, कोई आंख दिखा रहे थे दाढ़ी, जिंदा जिंदा दाढ़ी भर दिए, जो आंख हाथ से दिखा रहे थे आंख दिखा, यहाँ पर सिखा देते हैं कि वैष्णव अपराध बड़ी खतरनाक है, बड़ी खतरनाक है। भागवत में सौभर ऋषि को भी वैष्णव अपराध किया है, इसलिए गौतम जी को उन्होंने अभिशाप दिया, जब उन्होंने एक मछली उठा कर खा लिए, बोले अगर दो बार अगर तुम कभी है कभी दो बार अगर पानी में अगर तुम प्रवेश किया ना अभिशाप देता हूँ, क्या अभिशाप देता हूँ, मृत्यु, तेरे को मृत्यु हो जाएगी। तब से वहां पर तो गौरव जी तो नहीं आए लेकिन कालिया आ गए, कालिया आकर क्या किया, ऐसे प्रवेश किया जितने मछली तक गए, जितने मछली पे खत्म हो गए, और सौभर ऋषि के हृदय में काम वासना रखी, संसार की काम भोग वासना जागी, और मांगा था कि 50 लड़कियों को साथ में शादी किया, भोग और विषय बन गई, और विषय बन गई, आप बोलो अच्छा हुआ, कोई एक एक कोई एक राजकुमारी जिसको मिलता है जिसको 50 राजकुमारी मिल गए, और उन्होंने क्या महल बनाया है, क्या आलिशान महल बनाया उसने है, कहते उसको अच्छा तो बल नहीं, भगवान की भक्ति में जो आनंद है वो आनंद कहीं भी नहीं, कहते कोटि ब्रह्मानंद नय तार एक बिंदु कृष्ण प्रेमानंद जे आनंद सिंधु,
कृष्ण प्रेम रूपी आनंद में जो आनंद है करोड़ों ब्रह्मानंद मिल करके उसको बराबर नहीं कर सकते हैं। संसार में इतने आनंद कृष्ण भक्ति है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कहते ऊपर से छिंडे तार सुख जाए पाता। इसका मतलब है अगर हम कभी वैष्णव अपराध कर लेते हैं ना, जैसे कोई पेड़ है, जैसे ऊपर से काट दो देखना दो बार उसमें शाखा निकल जाए, निकलती कि नहीं, दो बार शाखा निकल जाती है। अगर किसी पेड़ की अगर चाड़ को अगर उखाड़ लो तो फिर क्या होगा, फिर कोई पेड़ हो सकती है, कोई पेड़ होने की कोई चांस है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भगवान खुद कहते हैं जो संत लोग क्या करते हैं, दिन भर मेरी महिमा गाते हैं, दिन भर मेरी कथा और मेरी भजन और महिमा गाते हैं। जो व्यक्ति ऐसे संतों को बुराई करता है, भगवान कहते अगर मेरे हाथ, अगर कभी मेरे संतों का विरोध में अगर मेरे हाथ जाएगा ना, मैं ये हाथ को भी काट डालूंगा, ये हाथ को भी काट डालूंगा, ये हाथ को भी शांत नहीं करूंगा। हैं? इसलिए कहते जब भक्ति करो कभी किसी की बुराई निंदा नहीं करते हुए क्या करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान की भजन करो, फिर तुम्हारी जो भक्ति की जो भावना है ना धीरे 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 बढ़ते 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 कहाँ जाएगा, बोलो तो वृंदावन जाएगा। और यही बैठी बैठी करके भगवान के प्रेम फल को, भगवान रसमय फल को यहाँ बैठी बैठी करके आस्वादन करेंगे। ठीक है, निताई गौर ब्रह्मानंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम Krishna